पिघला के वो पीते रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम रहता है उस समय भी। कितना भी पिघलाओगे तो टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा। ठंडे पानी की एक विशेषता है कि वो पेट में जाके अंतड़ियों को सिकोड़ देता है, खासकर बड़ी आंत को। अब बड़ी आंत जब सिकुड़ जाएगी तो संडास कभी भी साफ नहीं आएगी, कभी भी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो यूरोप और अमेरिका के सब लोग बेचारे ये ठंडा पानी जो पीते हैं इससे उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत है। इतना कॉन्स्टिपेशन है कि चार चार दिन संडास नहीं जाते। आप सोच सकते हैं, चार दिन नहीं जाते, पांच दिन नहीं जाते, इतना कॉन्स्टिपेशन। और जब वो संडास जाते हैं तो जल्दी उतरती नहीं है। एक घंटे बैठते हैं, डेढ़ घंटे बैठते हैं, दो घंटे बैठते हैं। कोई भी यूरोपियन और अमेरिकन टॉयलेट रूम में साधारण रूप से एक घंटा तो बैठता ही है, किसी तरह टट्टी उतरे। और इतनी ताकत लगाता है, आप कभी उसको देखो या सुनो आप पागल हो जाओ। इतना जोर लगाएगा टट्टी उतारने के लिए, आप सोच नहीं सकते। इसलिए वहां क्या होता है कि ये है हूं हों जो चलता रहता है, इसलिए टॉयलेट रूम थोड़ा दूर रखते हैं, बहुत नजदीक में नहीं रखते, दूर रखते हैं ताकि ये आवाजें ज्यादा नहीं आए। और टॉयलेट रूम में आजकल उन्होंने वो सब शुरू कर दिया है, टेलीविजन और ये सब, ताकि टीवी की आवाज में ये दबा रहे और बैठा बैठा वो टॉयलेट पॉट पे देखता रहे। अब मुश्किल उनकी क्या है कि एक डेढ़ घंटे बैठना है, तो हिंदुस्तानी स्टाइल में तो बैठेगा तो पांव में झंझनी चढ़ जाएगी, एक घंटे कैसे बैठेगा, हिंदुस्तानी स्टाइल में तो नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने कमोड सीट बना लिया, तो इस पे आराम से बैठो, एक घंटे बैठना पड़े तो एक घंटे, डेढ़ घंटे बैठना पड़े डेढ़ घंटे, दो घंटे, और बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहो, मैगजीन देखते रहो। तो इसलिए सभी यूरोपियन फैमिलीज में लाइब्रेरी जो होती है वो टॉयलेट रूम में ही होती है, किसी के बेडरूम में लाइब्रेरी नहीं होती, किसी के भी ड्राइंग रूम में लाइब्रेरी नहीं होती, टॉयलेट रूम में ही होती है। किताबों की एक शेल्फ मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेगा, मैगजीन मिलेगी, संडास मिलेगी, बैठ जाइए अखबार पढ़ते रहिए। अखबार 60-70 पेज के हैं, पलट पलट के भी देखो तो एक सवा घंटा निकल जाता है, उतनी देर वो संडास पे बैठते हैं। तो उन्होंने ये जो टॉयलेट सीट बनाई है, आराम से बैठे एक डेढ़ घंटे तक काम चल जाए इसके लिए बनाइए। अब वो उनकी मजबूरी है, टॉयलेट उतरता नहीं है तो एक डेढ़ घंटे बैठना पड़ता है। हम हिंदुस्तानियों ने उसकी नकल कर लिया और बना लिया अपने यहां कमोड सीट, जबकि हमको 5 मिनट में टॉयलेट उतरती है। और वो 5 मिनट का कारण हिंदुस्तानियों का ये है कि हिंदुस्तानी जो भी खाते हैं गर्म खाते हैं, गर्म खाना आसानी से डाइजेस्ट होता है, जल्दी उनका कॉन्स्टिपेशन है। और पानी भी साधारण रूप से नॉर्मल टेम्परेचर का ही पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और हम जो भी खाते हैं ताजा खाते हैं, फाइबरस होता है, उनके यहां ये सब संभव नहीं है। तो वो बेचारे टॉयलेट सीट पर बैठते हैं किस्मत के मारे। हमारे यहां हम नकल कर करके टॉयलेट सीट बनाते हैं और सोचते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, इस पर बैठ के टट्टी कर रहे। उनकी समस्या है वो, इसलिए उन्होंने टॉयलेट बनाया। अब इसी समस्या से एक कदम आगे बढ़ता हूं। अब जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है उनके मुंह से हमेशा बदबू आएगी, क्योंकि पेट साफ नहीं है, मुंह में भयंकर बदबू आएगी। बदबू आएगी तो बदबू को रोकना है उसके लिए टूथपेस्ट चाहिए। तो वो टूथपेस्ट इसलिए नहीं करते कि दांत साफ करने हैं, दांत तो साफ खाली ब्रश से भी हो जाते हैं, सिंपल ब्रश करो तो भी दांत साफ हो जाते हैं, लेकिन उस पर पेस्ट लगा के घिसना है ताकि मुंह की बदबू थोड़ी देर के लिए तो रुके। उसमें पिपरमेंट डालो, उसमें ये ठंडा डालो, उसमें ये खुशबू डालो, वो खुशबू डालो, तरह तरह के। तो इसलिए उन्होंने पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के अपने मुंह की बदबू रोकना। अब उसके एक कदम आगे, जब आपको संडास साफ नहीं होगी पसीना भी नहीं निकलेगा ठीक से, उसका सीधा संबंध है लार्ज इंटेस्टाइन। पसीना नहीं निकलेगा तो फंसा रहेगा, तो बदबू आने वाली है, बदबू आने वाली है तो उसको रोकने के लिए डिओडोरेंट लाया उन्होंने। ये डिओडोरेंट यहां स्प्रे करो, यहां स्प्रे करो, ऐसे स्प्रे करो, क्योंकि पसीना है, निकल नहीं रहा है, बदबू आ रही है, भयंकर आ रही है। नहा सकते नहीं रोज, कारण आप समझते हैं, साल में 6 महीने बर्फ जमी रहती है नल में, पानी आता नहीं, नहाए कैसे, तो नहा सकते नहीं, तो डिओडोरेंट से काम चलाते हैं। और डिओडोरेंट भी एक समय तक काम करता है, उसके आगे नहीं करता, तो स्प्रे लाते हैं, स्प्रे भी काम नहीं करता तो सेंट लाते हैं। तो इस तरह से सेंट, स्प्रे और वो सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम है।
अब हम लोग उनको नकल कर करके डिओडरेंट यहां लगा भी यहां, हम रोज सवेरे नहाते हैं, शाम को नहाते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं हिंदुस्तानी तो, कोई कोई गांव में देखा दिन भर नहाते रहते हैं, तालाब सामने है, उनको कोई डिओडरेंट की जरूरत नहीं, और जिनको पसीना बराबर निकलता है उनको बिल्कुल डिओडरेंट नहीं चाहिए। तो उनको डिओडरेंट नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ना हमको टेलकम पाउडर चाहिए, ना हमको स्प्रे चाहिए, ना हमको सेंट चाहिए, क्योंकि हमारे यहां वो जरूरत नहीं। लेकिन हम सब ये फालतू नकल कर करके करते रहते हैं। एक और प्रॉब्लम है, हमने एक और बात उनसे फालतू में नकल करके सीख लिया है। उनके यहां क्या होता है कि जो सब्जियां होती हैं वो कहीं और पैदा होती हैं, उनके देश में नहीं होती, दूसरे देश से वो इम्पोर्ट करते हैं, तो कभी भी ताजी सब्जी नहीं आती। तो सब्जियों को काट काट के डिब्बे में भरते हैं, डिब्बे में फिर केमिकल मिला के उसको जिंदा रखने के लिए सब्जी को कुछ ऐसे केमिकल मिलाते हैं 8-10 दिन जिंदा रहे। डिब्बा बंद सब्जी जब आती है उसको वो खोल के प्लेट में रखते हैं, फिर ऊपर से नमक डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके यहां डिब्बा बंद सब्जी आ रही है, नमक मिली हुई नहीं रह सकती, नमक मिली हुई रहेगी तो खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो बिना नमक की डिब्बा बंद सब्जी आती है, प्लेट में निकाल के ऊपर से नमक डालते हैं। तो हमने भी ये ऊपर से नमक डालना उनसे सीख लिया। ये मराठी लोग तो इतने पागल हैं, किसी भी मराठी के घर में खाना खाने जाओ ऊपर से नमक रखेंगे, काय के लिए, पागल हो क्या? जब हम सब्जी में नमक डालते ही हैं, हमारे यहां तो सब्जी बनते समय नमक डाला जाता है, यूरोप में सब्जी बनती ही नहीं है, नमक किसमें डाले? वो सब्जी बनी बनाई आती है बाजार में, तो उसको प्लेट में निकाल के फिर ऊपर से नमक डालते हैं, फिर काली मिर्च डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा मिला मिलू के, वो डिब्बी उसके लिए उनकी किचन पे रखी रहती है। हमारे सब घरों में आजकल ये किचन में डिब्बी मिलेगी आपको, और खासकर ये जो है ना डाइनिंग टेबल, उसपे तो बड़े शान से डिब्बियां रखी रहती है, देखो ये काली मिर्च की डिब्बी है, ये क्या दिमाग खराब है, उनके यहां प्रॉब्लम है इसलिए वो अलग डिब्बी रखते हैं। और वो डिब्बी में उनके यहां एक और प्रॉब्लम है, नमक जो है ना सादा अगर वो रखे तो उसमें नमी रहती है, चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं, तो उनको नमक ऐसा चाहिए जो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो हो। तो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक बनाने के लिए वो उसमें केमिकल मिक्स करते हैं, वो केमिकल मिक्स होने से नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लो रहता है, तो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि नमी वाला नमक कितना भी गिराएंगे गिरेगा नहीं, छेद में से निकलेगा नहीं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक के लिए सारा सिस्टम बनाया, उसमें कई तरह के केमिकल मिलाते हैं, खासकर ये जो सिल्वर वो होता है ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इस तरह के कुछ केमिकल यूज करते हैं। वो केमिकल शरीर में जाकर डिपॉजिट होते हैं, अस्थमा करते हैं, टीवी भी करते हैं। हम हिंदुस्तानियों ने वो नकल करके एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक ले लिया, डिब्बियों में भर भर के डाइनिंग टेबल पर रखना शुरू कर दिया, अलग से नमक थाली में डालना शुरू कर दिया। ये सब नकल कर करके हम जो है बंदर बने हुए। और इतना ही नहीं, और भी आगे चलो, उनके यहां प्रॉब्लम क्या है, साल में 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा, ठीक है, तो 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा तो कुछ जमीन में उगेगा, कुछ उगेगा नहीं, क्योंकि जमीन में उगने के लिए सबसे पहले चाहिए सूरज की धूप, वहां जमीन में कुछ उगेगा नहीं, उगेगा नहीं तो उनकी जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत कमजोर होगी, तरह तरह की किस्में उनके यहां नहीं मिलेंगी, बहुत थोड़ी थोड़ी किस्में मिलेंगी, तो बहुत थोड़ी थोड़ी किस्में मिलेंगी तो उनका जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो उसी तरह से बनेगा, वैरायटीज नहीं होंगी, एक वैरायटी है तो पूरे देश में एक ही मिलेगी, दो है तो दो मिलेगी, ज्यादा वैरायटीज नहीं है, साल में मुश्किल से 6 महीने भी धूप निकलती नहीं है, वैरायटीज ज्यादा होंगी नहीं, वैरायटीज नहीं होंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि सूरज की धूप से ही सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, सूरज की धूप नहीं है तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये अकल भी उनको नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तानी सरकार अपने भारत के नेचुरल रिसोर्सेज का प्लानिंग करने के लिए यूरोपियंस को बुलाती है, आप आओ, और हम मूर्ख लोगों को बुला रहे हैं जिनको खुद अकल नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्लान करके रखा जाता है। तो कभी कुछ अकल दे जाते हैं, कभी कुछ अकल दे जाते हैं सरकार, कभी एक काम कर देती है कभी, उसी में पूरा देश जो है खटता चला जा रहा है। जंगल नहीं है उनके यहां, जंगल होंगे कहां से, जंगल होने के लिए प्राइमरी कंडीशन है सूरज की धूप का होना, सूरज की धूप होगी नहीं तो जंगल नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, जंगल की लाइफ का मजा लेना है, जंगल है नहीं तो जंगलों के फोटो बना बना के दीवारों पे लगाते हैं वो, हाँ जंगल है नहीं उनके यहां
तो क्या करेंगे, दुनिया के किसी देश का जंगल का फोटो मिला उसको पोस्टर बना के एनलार्ज करके अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। वो हम भी नकलची लोगों ने अपने अपने ड्राइंग रूम में लगाना चालू कर दिया, ओहो जंगल का फोटो हमने लगा रखा, पागल लोग, यहां हर दो तीन गांव छोड़ दो तो जंगल मिल जाएगा, हम सीधे जाके जंगल के पेड़ों का दर्शन नहीं करेंगे, ड्राइंग रूम में लंबे लंबे पेड़ों की फोटो लगा रखी है। ज्यादातर घरों में, पढ़े लिखे घरों में ऐसे ऐसे पागलपन के किस्से आपको मिले। और किस्से वहां के सुनो, उनकी तकलीफें कुछ ऐसी हैं, जीव जंतु उनके यहां ज्यादा नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होने का भी कारण उनका एक ही है, धूप नहीं होगी तो जीव भी नहीं रहेंगे, जंतु भी ज्यादा नहीं, कुछ चुने हुए ही जंतु उनको मिलेंगे या जीव मिलेंगे। जो चुने हुए जंतु वहां रह सकते हैं उनमें एक कुत्ता है, ज्यादा रह नहीं पाते क्योंकि बहुत ठंडी के इलाके में या तो कुत्ता जीवित रह सकता है या भालू जीवित रह सकता है या ऐसे और दो चार किस्म के जानवर, तो उनके यहां ले देखे दो चार ही जानवर हैं, एक कुत्ता है, भालू है, भालू पाल नहीं सकते क्योंकि खतरनाक है, खुद को फाड़ के खा सकता है, तो कुत्ते पाल लेते हैं, वो कुत्ते पाल लेते हैं क्योंकि कुछ तो अकेलापन कम हो ना, प्रॉब्लम अकेलेपन की है, अकेलापन है तो कुत्ता पाल लो, तो कुछ उसी से बात करो, तो उसके नाम रखेंगे, ये पिंटू है कि ये डॉगी है कि ये टिम्मू है कि ये मम्मू है, उन कुत्तों के नाम रखेंगे, फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि और तो कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए। वो कुत्ते घरों में, अब वो कुत्ते हमने भी अपने अपने घरों में बांधने चालू कर दिए। इस मूर्ख हिंदुस्तानियों से पूछो कि इतने तरह के जानवर इस देश में हर समय देखने के लिए उपलब्ध है, ये कुत्ता घर में बांध के, और कुत्ता जो है सबसे खराब जानवरों में गिना जाता है। वो कहते हैं ना स्वामी भक्त होता है, ये फालतू फालतू बात है। सबसे खराब जानवरों में क्या है, उसकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है उसकी, जहां चाहेगा टांग उठा के मूतना शुरू कर देगा। हां मैंने जानवरों पे आजकल स्टडी करना शुरू किया है, कुत्ता को छोड़कर कोई भी जानवर हर जगह पेशाब नहीं करता, ये कुत्ता है जो कहीं भी टांग उठा के पेशाब कर देगा और आपकी अच्छी से अच्छी चीज पे कर देगा, फिर उसको धोते बैठिए, जहां मन में आएगा वहीं संडास कर देगा, अब वो संडास को साफ करते बैठिए। तो यूरोप वाले तो कुत्ते की संडास भी साफ करते हैं, बाथरूम भी साफ करते हैं, क्योंकि टाइम काटने के लिए कुछ करना है, या तो टीवी देखो, नहीं तो कुत्ते की संडास साफ करो, उसका बाथरूम धोते रहो, यही सब करते रहो, और कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाओ, ये करने के लिए ले जाओ, ये सब वो करते रहते हैं तमाशे, वही तमाशे अब हमने शुरू कर दिए। ज्यादातर यूरोप के घरों में जहां पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे भी अलग रहते हैं, कुत्ता ही उनका साथी है, और ठंड में भी रह लेता है, गर्मी में भी रह लेता है, इसलिए वो ज्यादा कुत्ते पालते हैं, गाय वाय नहीं पालते हैं, गाय उनकी जंगलों में रहती है, कुत्ते घरों में रहते हैं। हमने भी वही अकल लगाई, अब घर घर में हिंदुस्तान में कुत्ते आ गए हैं, बांध के घर के सामने रख लिए हैं, और जो हाल वो करते हैं, एक कोई मेहमान आ जाए तो जो तमाशा उनका आप देखो, भों भों करते करते ऐसी की तैसी कर दें आपकी। हाँ नहीं काटेगा नहीं, लेकिन वो काटने के हालत बना देगा। अब हमको थोड़ा भी अकल लगाएं, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्या जरूरत है इनकी। जिन देशों में जानवर उपलब्ध नहीं है देखने के लिए, वहां घर में जानवर रखने का उनका शौक समझ में आता है, यहां हर जगह हर चीज उपलब्ध है, गली में छोड़ देना उसको खाली, कुत्ते को काहे को घर में पकड़ के रखा हुआ है, गली में छोड़ दे। तो कहते हैं जी ये सुरक्षा करता, कोई सुरक्षा वुरक्षा ऐसी नहीं करता है वो, कई बार आपको उल्टा भी कर सकता है, आपको ही काट के फेंक दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर छह सुई लगाओ कि सात सुई लगाओ। फिर हम करते क्या है कि अपने हर खराब काम को तर्क से जोड़ने लगते हैं, तो उसमें एक कुतर्क जोड़ दिया, कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ऐसे एक नहीं हजारों किस्से सुना सकता हूं कि आपके दुश्मन ने आके उसको बिस्किट डाल दिया तो वो आपको छोड़ के वहां चला जाएगा, वो तो एक बिस्कुट पे बिकने वाला आदमी है, वो स्वामी भक्ति कहां है उसमें। हां आपका कोई भयंकर दुश्मन आ गया, जेब में से बिस्किट निकाला, लपलपाता हुआ जीव वहां पहुंच जाएगा और दो मिलाना शुरू कर देगा, उसको बिस्किट चाहिए, और उससे अच्छा किसी और ने खिला दिया वो वहां पहुंच जाएगा, कोई स्वामी भक्ति उसमें नहीं। तो ये यूरोपियन लोगों की प्राइवेट लाइफ को नकल कर करके हम हिंदुस्तानी अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, वो हम पे हंसते हैं, आप लोग पागल हैं क्या, हम तो ये अपने मूर्खता को कम करने के लिए करते हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये।
और ऐसे ही हमने उनकी ड्रेसेस का नकल कर लिया, टाई बांध लिया, सूट पहन लिया। अब वहां ठंड बहुत है, इतनी ठंड है कि बाहर से हवा गले में जाए तो ब्रोंकाइटिस की बहुत तकलीफ है। तो सब कुछ बंद रहना चाहिए, टाई इसलिए है। हिंदुस्तान में भयंकर गर्मी है, साल में तो यहां 8 महीने गर्मी रहती है, वहां -40 है, यहां +40 टेम्परेचर है। तो हम भयंकर टाई वाई लगा के पसीने को अंदर अंदर निकलने देते, निकलने भी नहीं देते और सिर भी नहीं हिला सकते, इतना टाइट करके बांध लेते हैं उसको। अब बेचारे ये बच्चे बचपन से ही टाई लगा लगा के स्कूल में जाते हैं, स्कूलों के मास्टरों को पूछो, मूर्ख लोगों, ये टाई बांध बांध के इनका कर क्या रहे हैं। ये जो गर्दन की नसें हैं ना, जो ब्रेन में जाती हैं, ये सब जकड़ जाती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने लगती है और ऐसे बच्चे किसी भी पागलपन का शिकार हो सकते हैं, आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगा, आंखों में तकलीफ करेगा, ब्रेन में तकलीफ करेगा। हम वो टाई लगा लगा के सबको भेज रहे हैं स्कूलों में, और पैंट चढ़ा के सूट पहनते हैं 3 पीस, कोई जरूरत नहीं 3 पीस सूट की, वहां -40 है इसलिए 3 पीस पहनते हैं, यहां +40 है 3 पीस की जरूरत नहीं, ढीले ढाली पोशाक होने चाहिए। और पेंट वेंट वो इसलिए पहनते हैं कि नीचे से हवा ना अंदर जाए, हमको अगर नीचे की हवा अंदर ना जाए तो सब ये पूरा सड़ जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएंगे बीसियों तरह की, क्योंकि जितनी गर्मी है यहां। और हम ये बटन वटन और लगाने लगे, ये भी अंग्रेजों की नकल करके हमने शुरू किया। हिंदुस्तान की पुरानी पोशाकें अगर आप देखेंगे किसी में बटन नहीं होता, क्योंकि बटन लगाने की जरूरत नहीं है, परंपरा में भी नहीं है हमारे देश में। ये बटन लगाना भी हमने अंग्रेजों से सीख लिया कि आगे से बंद रहे, पीछे से तो बंद है ही। तो हमने अपनी सब चीजें छोड़ के उनकी प्राइवेट लाइफ की फालतू बातें नकल कर करके कि अपने को स्मार्ट मानना जो शुरू किया है, वास्तव में वो मूर्खता है। फिर छुरी खाटे से अब हम खाना वाना खाने लगे, वहां तो प्रॉब्लम दूसरी है। वहां प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सच्ची बताता हूं, आप उसमें हंसना नहीं, हाँ, क्योंकि जब आप हंसते हैं ना तो उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है। मैं भी कोशिश करूंगा कि नहीं हंसू इस बात पे, क्योंकि इस बात का फिलॉसफी बड़ी जोरदार, छुरी कांटा क्यों खाने पीने के लिए। मुश्किल उनके यहां ये है कि टॉयलेट रूम में जब वो जाएंगे तो एक तो पानी का इस्तेमाल करना उनको नहीं आता है, उनको किसी ने सिखाया भी नहीं और उनकी सभ्यता में नहीं, वो हमेशा पोंछते हैं कपड़े नहीं बल्कि टिश्यू पेपर से इस्तेमाल कर। अब वो ये मानते हैं कि चूंकि हमने टिश्यू पेपर यूज किया है तो हाथ में क्या खराब है, लेकिन हाइजीन की जो फिलॉसफी है वो उसको उन्होंने उससे मिक्स किया है। तो हाइजीन की फिलॉसफी है वो ये है कि आपका जो हाथ है, आपका अपना हाथ, ये सबसे ज्यादा शुद्ध है, आपका अपना हाथ सबसे ज्यादा शुद्ध है। आपके शरीर की जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा हाथ में ही है। आप गंदे से गंदा काम करो, गंदे से गंदा माने किसी आदमी के सड़े हुए पूरे शरीर को इन्हीं हाथों से उठाओ, तकलीफ नहीं आने वाली। ये हाथों में इतना रेजिस्टेंस है कि वो आदमी के शरीर से कितने भी कीड़े निकलते हो, कितना भी मवाद निकलता हो, कितना भी खून निकलता हो, प्रॉब्लम की बात नहीं। दुनिया के सभी डॉक्टर इन्हीं हाथों से बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको वही डिसीज नहीं होता है जिसको वो ट्रीट करते हैं इन हाथों से। तो हाथों से ज्यादा शुद्ध साफ दुनिया में कुछ नहीं है, ये हाइजीन की फिलॉसफी है। उनके यहां प्रॉब्लम दूसरी है। उनके यहां प्रॉब्लम क्या है कि जहां बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा, वहां क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है बॉडी। ज्यादा गर्मी भी आ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ज्यादा ठंडी भी आ गई तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बीच में रहे। तो उनकी जो फिलॉसफी है हाइजीन की, वो ये कहती है कि चूंकि यहां ठंडी बहुत है इसलिए रेजिस्टेंस उतना नहीं है, और चूंकि वो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं और हाथ धोते नहीं है। कारण क्या है, कभी भी साल में 6 महीने 8 महीने पानी, मैंने आपसे कहा ना, फ्लो नहीं रहता पानी का, पानी बर्फ के रूप में जमा है, तो हाथ पाथ धोने का उतना वो नहीं है। तो अब खाएंगे तो कांटा छुरी चाहिए, नहीं तो इसी हाथ से खाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले टिश्यू पेपर पकड़ा है फिर यही खाएंगे। कोई भी अंग्रेज कभी भी हाथ धोता नहीं है सामान्य रूप से, टॉयलेट रूम से बाहर निकलने के बाद। कोई भी फ्रांसीसी, कोई भी जर्मन, कोई भी स्वीडिश, कोई भी डेनिश और कोई भी अमरीकी सामान्य रूप से, अगर वो ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा लिबरल हो गए हैं वो लोग, कर लेते हैं हिंदुस्तानियों को देख देख के, तो वो धोएंगे नहीं।
तो इसलिए क्या होता है कि उनका सब कुछ ड्राई रहता है, बाथरूम ड्राई रहेगा, ये ड्राई रहेगा, वो ड्राई रहेगा, ये ड्राई रहेगा, वो। हम हिंदुस्तानी भी आजकल उसी चक्कर में फंसे, हमारा बाथरूम ड्राई रहना चाहिए, ये ड्राई रहना चाहिए, काहे के लिए, उनको प्रॉब्लम है इसलिए वो सब करते हैं। अब उनकी प्रॉब्लम हाइजीन की है, फिलोसफी कुछ है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ है, तो छुरी कांटा इस्तेमाल करना है, एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, सिक्योरिटी बहुत है उनके मन में, हमेशा प्रॉब्लम के रूप में, हमेशा सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम उनको करती है, हमेशा आशंकित रहते हैं, हमेशा सशंकित रहते हैं, किसी से मिलेंगे भी तो बहुत शंका के साथ मिलेंगे। आप अगर यूरोपियन लोगों को आपस में मिलते हुए देखें तो जैसे वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अभी जो है ना ऐसे शेकहैंड करते हैं, ये शेकहैंड करने की पद्धति नहीं है, शेकहैंड यहां से लेकर यहां तक किया जाता है पूरा। तो होता क्या है, एक हाथ वो अपने हाथ में पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से यहां तक आपका हाथ फिराएंगे, कुछ छुपा के तो नहीं रखा मार देने के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, इतने डरे हुए रहते हैं। और आपने देखा है ये जो कभी टेलीविजन में देखा है ना, एक दूसरे को मिलते हैं तो गाल से गाल टकराते हैं, गाल से गाल टकराना नहीं है, पूरी तलाशी करनी है, आगे पीछे तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप नजदीक आएंगे तभी तो हाथ फिरा सकते हैं, इधर उधर हाथ फिरा। आप हमेशा ध्यान देना, जितने भी बड़े यूरोपियन लीडर हैं, एक दूसरे से मिलेंगे भले वो आलिंगन करेंगे लेकिन उससे हाथ फिराना उनका वो ज्यादा बड़ा है, हाथ फिरा के सब चेक कर लेते हैं कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं, इतना सिक्योरिटी उनको प्रॉब्लम। और ये जो छुरी काटा है ये भी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा है, खाने के लिए कम है, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लो उसको। हाँ, छुरी काटा जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाए वो उनके लिए है। तो इन सब कारणों से उनके यहां प्राइवेट लाइफ ऐसी है। और प्राइवेट लाइफ में तो बड़े बड़े किस्से हैं, अगर उसी विषय पर व्याख्यान करूं तो एक पूरा 8-10 दिन का आठ दस दिन का इस पर पूरा भागवत कथा हो सकती है, यूरोप की प्राइवेट लाइफ पर, पति पत्नी के आपस के संबंध क्या है, बच्चों के बेटों आपस में संबंध क्या है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके यहाँ संस्कार किस तरह के होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं वैसे होते हैं क्या, मृत्यु होती है तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। और ये जो शब्द है ना, हम शब्द कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग इतने मूर्ख लोग हैं, मैं कभी कभी घरों में जाता हूं, मेरा परिचय कराते हैं, ये मेरी मिसेस है, मिसेस फिर कहेंगे ये मेरा मिस्टर है, ये मिसेस शब्द इतना खराब है यूरोप में, मिसेस कौन होता है आप सोच नहीं सकते, मिसेस को कभी आप डिक्शनरी में ढूंढो, चैम्बर्स में ढूंढो, बैबस्टर में ढूंढो, मिसेस माने पत्नी नहीं होता, पत्नी को छोड़कर जितनी महिलाओं से आप शारीरिक संबंध रखते हैं वो मिसेस होती है, पत्नी मिसेज नहीं होती, पत्नी वाइफ होती है, ये मेरी पत्नी है, वाइफ है, मिसेज नहीं कहेंगे वो, रियल पत्नी है ना, कभी कोई इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ये मेरी मिसेज है। मिसेज का माने नौकरानी हो सकती है जिससे आप शारीरिक संबंध रखते हैं, मिस्ट्रेस हो सकती है जिससे शारीरिक संबंध रखते हैं, टीचर हो सकती है, ये कोई स्कूल में हाँ वो हो सकती है, प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके उससे शारीरिक संबंध है तब आप कहते हैं ये मेरी मिसेज है। और मिस्टर है, मिस्टर भी पति नहीं होता है। और हम हिंदुस्तानी नकलची बंदर जो यहां भी घर में बड़े गर्व से कहेंगे ये मेरी मिसेज है, धर्म पत्नी में और मिसेज में जमीन आसमान का अंतर, धर्म पति में और मिस्टर में जमीन आसमान का अंतर। और आजकल ये मिस मिस एम आई एस एस, हमारे देश में जो कुंवारी लड़की है ना वो मिस नहीं होती, मिस और कुंवारी लड़की में जमीन आसमान का अंतर। मिस माने जिसका कुंवारापन समाप्त हो चुका है वो मिस है, और यहां कुमारी लड़कियां अपने सामने मिस लगाती हैं और बड़ा गर्व महसूस करती हैं, मिस फलाना, मिस ऐश्वर्य रॉय, मिस सुष्मिता से। वास्तव में ऐश्वर्य रॉय मिस है इसलिए वो लगाती भी है, और वास्तव में सुष्मिता सेन मिस है, लेकिन हम लोग इनकी नकल कर करके अपने घर की बेटियों और बहनों को भी कहते हैं भैया तुम भी लगाओ, जबकि है नहीं वो वास्तव। तो ये जो शब्द होते हैं ना, सभी की हिस्ट्री होती है, जैसे देश का इतिहास होता है वैसे शब्दों का इतिहास होता है, शब्द कहीं कहीं से निकलते हैं, उनकी अपनी पूरी फ्रेजोलॉजी होती है, फिलॉसफी होती है, हिस्ट्री होती है, उनके इस्तेमाल करने का समय होता है, उनके इस्तेमाल करने का फ्रेम होता है, लेकिन हम वह सब छोड़ छोड़ के लगे हुए हैं पागलपन। और ये जो नामकरण बच्चों के आजकल हम करते हैं, पिंकू, चिंपू, टिंकू, बबली, डबली, लबली, पता नहीं
पागलों की जमात इकट्ठी इस देश में। टिंकू पिंकू डंपू पंपू ये जितने भी नाम हैं यूरोप में, ये साधारणतः कुत्तों के नाम है। मैंने कहा ना घर में कुत्ते पालते हैं, उनको इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। और इन नामों को पीछे फिलॉसफी क्या है, कुत्ता आवारा जानवर है, तो आवारापन का विरोध बोध कराने वाले ये सब शब्द हैं। टिंकू को अगर आप खोलोगे बैप्स्टर डिक्शनरी में, टिंकू का माने आवारा लड़का, जो कुत्ते की तरह से कहीं भी घूमता रहे, वो है टिंकू। और हम जो है बड़े प्रेम से टिंकू 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 बोल बोल के उसको बना देंगे थोड़े दिन में, नहीं है तो हो जाएगा आवारा। ऐसे फालतू फालतू डिंपी पिंपी डिंपल पिंपल ये सब नाम रख रख के सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा, और इस देश में विचित्रता क्या है, घर में ये सब नाम बोलेंगे डिंपी पिंपी बबली टिंकू पिंकू, स्कूल में नाम होगा विधि निधि गायत्री सविता सरिता। माने जहां बच्चा सबसे कम समय बिता रहा है वहां सुंदर नाम है, और जहां सबसे ज्यादा वहां फालतू नाम टिंकू पिंपू डंपी पंपी। घर में सबसे ज्यादा समय रहेगा वहां ऐसे फालतू नाम है, स्कूल में दो तीन चार घंटे बिताना है वहां सुंदर सुंदर नाम रखे हो। ये डबल नाम की व्यवस्था बहुत हिंदुस्तानी जो बिना सोचे समझे नकल करने में लगे हुए हैं, बंदर भी नकल करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, हमारी स्थिति उनसे भी गई बीती है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी करें समझ के करें, अगर हमें मालूम है कि ये सब ऐसा है फिर हम करें तो प्रॉब्लम नहीं है, मालूम कुछ नहीं है लगे हुए उसी में। गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग वहां प्रॉब्लम है। अब मुझे ये याद दिला रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, वहां सूरज नहीं निकलता, मैंने आपसे कहा ना 6-7-8 महीने, जिस दिन निकल आया उस दिन की सुबह बहुत अच्छी है, तो हर एक दूसरे को विश करता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, माने सूरज का दर्शन होने वाला नहीं है लेकिन विश करते हैं एक दूसरे को, शायद हो शायद हो, इसलिए गुड मॉर्निंग। अब हिंदुस्तान में एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, यहां रोज सूरज निकलता है, 10,000 साल से निकल रहा, अगले 10,000 साल निकलेगा, यहां क्या गुड मॉर्निंग करनी। और गुड इवनिंग भी वहां क्या होता है, रोज शाम को बारिश होती है सभी यूरोपियन देशों में डेली, और जब बर्फ पड़ रही होती है उस समय बारिश हो तो तकलीफ भयंकर होती है, तो वो गुड इवनिंग विश करते हैं कि आज शाम को आपको बारिश न देखनी पड़े, इसलिए गुड इवनिंग। और चूंकि उनके यहां बारिश का माहौल है, सूरज नहीं निकलता है तो तारे कभी नहीं दिखाई देते, तो बच्चों को कविताएं सिखाई जाती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल दिखाई तो देता नहीं है, साल में 8 महीने तो भयंकर कोहरा छुपा रहता है, तो इसलिए ये कविताएं वो सिखाते हैं शायद कभी दिखाई दे जाए तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और रोज शाम को बारिश है, बच्चे बेचारे खेल नहीं सकते कहीं, तो उनको कविता सिखाई जाती है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब हम लोग पागलों की तरह से लगे हुए हैं अपने अपने बच्चों को सिखाने में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, यहां रोज तारे दिखाई देते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं। और बारिश तो हम बुलाते हैं, हमारे मराठी में एक कविता, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा पैसा झाला खोटा पाउसाला मोटा, माने बुला रहे हैं हम बारिश को। भारत की सभी भाषाओं में बारिश को बुलाने की कविताएं हैं, यूरोप में भागाने की है क्योंकि कभी भी बारिश होती है, तो इसलिए वो रेन रेन गो अवे करते रहते हैं। हम हमारे बच्चों को, बेटा अंकल जी आए हैं जरा कविता सुनाओ, बेटा चालू हो गया रेन रेन गो अवे। ये रोज मेरे साथ घटित होता है इसलिए मैं आपको ये सब सुना रहा। तो मुझे आपसे इतना ही कहना है कि यूरोप की नकल फालतू में बिना सोचे समझे ना करें, और अगर करें तो पूरा अध्ययन अभ्यास करके करें, तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ हम जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं, बस इतना ही कहना है। आजादी बचाओ आंदोलन भिलाई इकाई द्वारा आयोजित यह 2 दिवसीय कार्यशाला का प्रथम दिवस बहुत ही हल्के फुल्के मनोरंजक अंदाज में संपन्न हुआ। अब आप सभी से आग्रह करता हूं
कि बहुत ही गर्मा गर्म भोजन तैयार है, आप सभी भोजन करके जाएंगे। आज हमने बहुत से विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन किया और उन सभी मुद्दों से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाया और समझ बनाई कि हम उन मुद्दों को लोगों तक ले जाएं, उनको समझाएं और उनको आंदोलन के लिए प्रेरित करें और इस आंदोलन को गति दें। आपको मैं अब इस आज के इस तीसरे सत्र के समापन के बाद सादर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं।